नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्टेंट स्पोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग न्यूज आपके लिए लेके हैं। आरओडीटीपी रेट्स फाइनली अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यस्टरडे, दैट इज ऑन 17th 8 2021, यानी 17th अगस्त 2021 को अनाउंस हो गया है आरओडीटीपी के रेट। आरओडीटीपी मतलब रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर दी है आपने, उसमें गवर्नमेंट आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस की क्या छूट दे रही है, उसमें आपको कितना छूट दे रही है, कब से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड इन आरओडीटीपी, जो आरओडीटीपी उन्होंने अभी लॉन्च किया है, कल से इम्प्लीमेंट किया है, और वो उसका प्रोसेस क्या होगा, किसने उसको रिलीज किया है, कितने बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, कौन से प्रोडक्ट उसमें रखे गए हैं, कौन से प्रोडक्ट को उससे बाहर रखा गया है, कितना बजट गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट किया है, और आरओडीटीपी का प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा, और आरओडीटीपी हमें एफओबी वैल्यू पे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे या सीआईएफ वैल्यू पे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बनी रही हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है आरओडीटीपी व्हेन इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। आरओडीटीपी कल अनाउंस हुआ है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2021, यानी 1st जनवरी 2021 से इसके रेट इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जिस भी कंपनी ने, जिस भी पर्सन ने एक्सपोर्ट किया है, उसके जो बेनिफिट्स रुके हुए थे, जैसे एमईआईएस के बेनिफिट्स रुके हुए थे, वो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से ठीक नहीं था, डब्ल्यूटीओ ने फोर्सफुली उसको बंद करवा दिया था स्कीम को, तो उसके जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो गवर्नमेंट के पास में पैसा फंसा हुआ था, हम लोगों का भी पैसा फंसा हुआ मतलब वो बंद हो गई थी स्कीम, तो उसके प्लेस पे आरओडीटीपी स्कीम आने वाली थी, लेकिन हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे और ये अनाउंस नहीं हुआ था, रेट फाइनलाइज नहीं हुए थे, पॉलिसी बन गई थी, लेकिन किस प्रोडक्ट को बाहर रखना चाहिए, किस प्रोडक्ट को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, या फिर कितने रेट होने चाहिए किस प्रोडक्ट के, वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना था। उसमें जितना बजट एलोकेट करने की बात हुई थी, बजट उतना तो एलोकेट नहीं हुआ, लेकिन उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हुआ जरूर है, हम आगे बात करेंगे। और ये 1st जनवरी 2021 से जो मिलेगा प्रो डाटा बेसिस पे आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट, अगर बात करें हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडेड, तो उसमें 8555 प्रोडक्ट इंक्लूड किए, यानी 8555 प्रोडक्ट। कई बार आप न्यूज में सुन रहे होंगे, कल आपने न्यूज देखा होगा, न्यूज पेपर में आज आप पढ़ेंगे, तो टोटल 8555 प्रोडक्ट उसमें इंक्लूड किए गए हैं, सच एज मैरिन प्रोडक्ट, यान प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट में बढ़ावा देना चाहती है, उनको प्रमोट करना चाहती है, जो प्रोडक्ट अभी स्लो चल रहे हैं और जो प्रोडक्ट अभी फास्ट चल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करना कर रहे हैं, तो उनको प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने बाहर रखा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हु रिलीज आरओडीटीपी, आरओडीटीपी किसने रिलीज किया है, आरओडीटीपी डीजीएफटी ने रिलीज किया, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन नंबर 19/2015-2020, यानी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 के उसमें ही अमेंडमेंट किया गया है, उसमें एक पैरा नंबर आगे चेंज किया, यानी सब पैरा ई उसमें इंक्लूड किया गया है, इन पैरा नंबर 4.01 में ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020, और ये साइन किया, नीचे हमने एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी उसका हमने उसमें शेयर भी किया है, आज सुबह मॉर्निंग में हमने उसको शेयर किया है, जो उन्होंने ड्राफ्ट किया है मिस्टर अमित यादव है, अमित यादव फ्रॉम डीजीएफटी, उन्होंने साइन किया है जो नोटिफिकेशन, चार पेज का नोटिफिकेशन है, वो साइन किया है उन्होंने, अब वो हमने साइन किया हुआ नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग जरूर देख सकते हैं, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं, या फिर आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हु विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ आरओडीटीपी, तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी या जो सेक्टर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ऐसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है, बहुत ज्यादा उनको प्रमोट करना है, बहुत ज्यादा उनको कुछ ऐसे बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, तो वो रखा है स्टील सेक्टर, स्टील सेक्टर में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं रखे, यानी स्टील सेक्टर को गवर्नमेंट ने आरओडीटीपी स्कीम के बेनिफिट से बाहर रखा है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी जैसे आपने देखा फार्मास्यूटिकल तो इंडिया से बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है, पिछले 2 साल से जब से कोरोना वायरस आया, तो मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मतलब जो वैक्सीन है, कई बार आपने देखा होगा कि इंडिया में ही उसके प्रोडक्शन हो रहा है,
पूरे वर्ल्ड वाइड जा भी रहा है और दूसरे मेडिसिन भी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बाहर रखा है आरडीपी की स्कीम से। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हुए थे, तो गवर्नमेंट ने यहां पर दिमाग लगाया कि ऑलरेडी उनको बेनिफिट्स दिए हुए हैं तो उनको एडिशनल बेनिफिट्स देने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको नहीं दिया गया है। EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EOU के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो EOU के भी बेनिफिट्स जो आरओडीपी मिलने वाले थे वो EOU को भी नहीं मिलेंगे, उनको भी बाहर रखा गया कि वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट बेनिफिट्स अलग से दी हुई है। अगर हम बात करें हाउ मच प्रॉफिट दे आर गोइंग टू, मतलब बेनिफिट्स कितना होने वाला है, तो 0.5% से 4.3% तक का प्रॉफिट यहाँ पर मतलब बेनिफिट्स देने वाली है गवर्नमेंट। ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग तो नहीं लग रहा है, जैसे कि पहले बात हो रही थी कि MES 5% 3% से 5% तक का मिल जाता था, लेकिन अभी जो बात हो रही थी उस टाइम भी, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था आरओडीपी कब इम्प्लीमेंट होने वाला है, आरओडीपी क्या है, तो उसके बारे में भी हमने बताया था और वहां पर यह भी बताया था कि जब इसके रेट फाइनलाइज हो जाएंगे तो हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से या किसी न किसी और माध्यम से आपको जरूर बताएंगे, तो हम अपना वादा भी आज पूरा कर रहे हैं कि हम वीडियो लेके आए हैं कि किसको कितना रेट मिलेगा। तो 0.5% से लेके 4.3% तक का गवर्नमेंट ने निर्धारित किया, डिसाइड किया है रेट। पहले लग रहा था कि इसका 8% जैसे बताते थे MES से बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो अच्छा तो है मतलब और दूसरे प्रोसेस में अच्छा, लेकिन बेनिफिट्स वाइज फाइनेंशियल अगर बेनिफिट्स की बात करें तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स में ये मतलब उतना बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं लगा है। 4.3% तक का मैक्सिमम यहां पर वैल्यू रखा गया है उतना ही आपका, और वो भी FOB वैल्यू का, जैसे अगर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वो FOB वैल्यू पे मिलेगा कि CIF वैल्यू पे मिलेगा, तो हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए कि जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इंपोर्ट ड्यूटी आपको CIF वैल्यू पे लगती है, यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट यानी CIF वैल्यू ज्यादा होती है, और FOB वैल्यू पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के बेनिफिट जो MES वगैरह भी मिलता है वो भी आपको FOB वैल्यू पे मिलता है। तो RODDP जो आपको मिलेगा FOB वाली यानी फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू कम होती है फ्री ऑन बोर्ड पे ही आपको उसकी इनवॉइस वैल्यू भी आपको मिलेगा। RODDP का बेनिफिट कितना मिलेगा, 0.5 से लेके 4.3% तक का मिलेगा। अगर मैं बात करूं हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर आरओडीपी, तो आरओडीपी के लिए टोटल आरओडीपी एंड एसओ आरओएससीटीएल टोटल मिला के उन्होंने रखा है 19,400 करोड़ का पूरा बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें आरओडीपी के लिए ओनली 12,454 करोड़ रखा गया है और आरओएससीटीएल के लिए रखा गया है 6,946 करोड़। अभी आप बोलेंगे कि सर ये आरओएससीटीएल क्या रहता है, आरओएससीटीएल है रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइसेस, तो इसके लिए भी 6,946 करोड़ का बजट एलोकेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का कि आरओडीपी का प्रोसेस अभी फास्ट होगा MES के कंपैरिजन में कि उससे स्लो होगा, तो डेफिनेटली हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में भी वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग पहले से इंप्लीमेंट करे, तो हमारी कंट्री में भी वो अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट जिस टाइप से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है तो अभी ये प्रोसेस अभी और फास्ट होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्क्रिप्ट रखी गई है, यानी ई स्क्रिप्ट होगी, आपके अकाउंट में डिजिटल अकाउंट मेंटेन होगा। यानी अभी अगर आप बात करेंगे CBIC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC के जो अकाउंट में जो उनके लेजर में उनका लेजर भी ई लेजर बनेगा, ई लेजर में आपके स्क्रिप्ट से सब उनकी अकाउंटिंग होगी, और ये जो ई स्क्रिप्ट है वो ट्रांसफरेबल होगी, यानी जैसे आप अपनी मनी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसी आप अपना जो ई स्क्रिप्ट है, ई स्क्रिप्ट आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको जरूर रहेगी फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड है या फिर जो इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।